अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्यू जनरेशन 123। दोस्तों आज मैं अपने वूफर को रिपेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आगे कोई दूसरी बात करूं, पहले आप एक चीज़ देख लें कि वूफर में आवाज़ कैसी आ रही है। दोस्तों आपने ये आवाज़ सुन ली होगी, तो असल में दोस्तों ये वूफर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो डस्ट केप है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो आज मैं इसको ही रिपेयर करूँगा, और मैं किस तरीके से रिपेयर करूँगा आप ये भी देखिएगा, और इसके बदले में मैं ये दूसरा नया कैप लगाऊँगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। डस्ट केप हटाने के बाद इसमें ज़रा भी कोई भी खरखर की आवाज़ नहीं आ रही। मैं वॉल्यूम तेज़ करता हूँ। ये तैयार हो गया है, और आप देख लें कि अब इसमें वैसी आवाज़ नहीं आ रही जैसे पहले आ रही थी। दोस्तों इस वीडियो में एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई थी कि जब मैं डस्ट केप लगा रहा था तो मैंने अपने वीडियो कैमरे का स्टार्ट बटन ओके किया ही नहीं था, और मैं पूरा मैंने डस्ट केप लगा लिया, और उसके बाद काफ़ी बातें भी मैंने की उसमें, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा स्टॉप करने के लिए तो मुझे पता लगा मैंने स्टार्ट किया ही नहीं था, तो स्टॉप कैसे मैं करता। तो मेरी पूरी मेहनत ज़ाया हो गई, और डस्ट केप मैंने कैसे लगाया ये मैं नहीं दिखा सका आपको, इसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी बताने के लिए बहुत कुछ है, और लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी कराएं। इजाज़त दें दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम।